हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान सिंगल कलर का पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। इस पैटर्न को आप ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। कार्डिगन, कोटी, जैकेट, जेंट्स हाफ स्वेटर, बच्चों के ऑल प्रोजेक्ट, कैप आदि में बनके बहुत ही खूबसूरत हमारा ये पैटर्न आ जाता है और फ्रंट साइड से हमारा पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। दोस्तों, आप मुझसे फेसबुक और इंस्टा में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो में देखिए, पहला फंदा उतारेंगे और फर्स्ट रो को हमने फ्रंट साइड से सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, फ्रंट साइड से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सेकंड रो। अब सेकंड रो में देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे और बैक साइड से सेकंड रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, बैक साइड से हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो में देखिए, पहला फंदा उतारेंगे और फ्रंट साइड से थर्ड रो को हमने फर्स्ट रो की तरह सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो। फोर्थ रो में देखिए, पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने फोर्थ रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, बैक साइड से हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में पहला फंदा उतारेंगे और फ्रंट साइड से हमने फिफ्थ रो को सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए, फ्रंट साइड से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सिक्स रो। अब सिक्स रो में देखिए, पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने सिक्स रो को सेकंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए, बैक साइड से हमारी सिक्स रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से सेवंथ रो। अब सेवंथ रो में देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा बिना बुने, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा बिना बुने, एक फंदा उल्टा, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और एक फंदा उल्टा बुन के उतारेंगे, फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बुन के, एक फंदा हमने बिना बुने उतारना है, एक फंदा उल्टा बुन के, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बुन के उतारेंगे, फिर एक फंदा बिना बुने, एक फंदा उल्टा बुन के उतारें, फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बुन के उतारेंगे और लास्ट का फंदा सीधा बुन के उतारेंगे।
तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी सेवंथ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से एट्थ रो, पहला फंदा उतारेंगे, बैक साइड से हमने एट्थ रो को सेकंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए बैक साइड से हमारी एट्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से नाइन्थ रो, अब नाइन्थ रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा हमने बिना बुने उतारना है, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा बिना बुने, एक फंदा उल्टा, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बुन के उतारेंगे, एक फंदा बिना बुने, एक फंदा उल्टा बुन के उतारेंगे, एक फंदा बिना बुने, एक फंदा उल्टा बुन के, एक फंदा बिना बुने, एक फंदा उल्टा बुन के, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बुन के उतारें, फिर एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बुन के उतारें, फिर एक फंदा हमने बिना बुने उतारना है, धागा पीछे कर लेना है और लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई। बैक साइड से देखिए टेंथ रो, टेंथ रो को हमने सेकंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए बैक साइड से हमारी टेंथ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से इलेवंथ रो, इलेवंथ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, फिर एक फंदा बुन के उतारेंगे, एक फंदा बिना बुने, एक फंदा बुन के, एक फंदा बिना बुने, एक फंदा बुन के, फिर एक फंदा बिना बुने, एक फंदा बुन के, फिर एक फंदा बिना बुने, एक फंदा बुन के, फिर एक फंदा बिना बुने, एक फंदा बुन के, फिर एक फंदा बिना बुने, एक फंदा बुन के उतारेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा बुन के उतारेंगे, फिर एक फंदा बिना बुने, एक फंदा बुन के उतारेंगे, लास्ट का फंदा सीधा। देखिए फ्रंट साइड से हमारी इलेवंथ रो कंप्लीट हो गई। बैक साइड से देखिए ट्वेल्थ रो, पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से ट्वेल्थ रो को हमने सेकेंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए बैक साइड से हमारी ट्वेल्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्टीन रो, अब थर्टीन रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बुन के उतारेंगे, एक फंदा बिना बुने, एक फंदा उल्टा बुन के, एक फंदा बिना बुने, एक फंदा उल्टा बुन के उतारेंगे, फिर एक फंदा बिना बुने, एक फंदा उल्टा बुन के उतारेंगे, एक फंदा बिना बुने, एक फंदा उल्टा बुन के, फिर एक फंदा बिना बुने, एक फंदा बुन के उतारेंगे, एक फंदा बिना बुने, एक फंदा बुन के उतारेंगे, एक फंदा बिना बुने, एक फंदा बुन के उतारेंगे, फिर एक फंदा बिना बुने, लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए फ्रंट साइड से ये हमारी थर्टीन रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से फोर्टीन रो, अब 14 रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, बैक साइड से 14 रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए बैक साइड से हमारी 14 रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से 15 रो, अब 15 रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा हमने बिना बुने उतारना है, फिर एक फंदा उल्टा बुन के उतारेंगे, फिर एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा हम बुन के उतारेंगे, एक फंदा बिना बुने, एक फंदा बुन के, फिर एक फंदा बिना बुने, एक फंदा बुन के, एक फंदा बिना बुने, एक फंदा बुन के उतारें।
एक फंदा हम बिना बुने और एक फंदा बुन के उतारें, फिर एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा बुन के उतारेंगे, एक फंदा हमने बिना बुने उतारना है और एक फंदा हम बुन के उतारेंगे, लास्ट का फंदा हम सीधा बुन के उतारेंगे। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी 15 रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से 16 रो। अब 16 रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से 16 रो को हमने सेकंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए बैक साइड से हमारी 16 रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से 17 रो। अब 17 रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा। तो देखिए यहाँ पे रिपीट रो, पहला फंदा उतारेंगे और 17 रो को हमने पैटर्न की फर्स्ट रो की तरह सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी 17 रो कंप्लीट हो गई। 17 रो को हमने फर्स्ट रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट किया। बैक साइड से देखिए जो 18 रो आएगी उसको हम सेकंड रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह हम अपने पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और बन के देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान पैटर्न है। आप इसे ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।